बाजार समिति जिसका किसान के साथ सेंटीमेंट था उसको लागू करिए, मंडी सिस्टम को लाइए। आप दलित आदिवासी कमजोर तबके के लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं। देश में यदि 20-22% दलित आदिवासी है तो आप उसी तरह मुख्यमंत्री की भी हिस्सेदारी थे। आप अत्यंत पिछड़ा या जाति जनगणना करके कुछ भी नहीं कर सकते। वोट तो पहले भी लोग दे रहा था यही जात, और हमें अवसर मिले भरने का, भरने का, हमारे अवसर को ना छीना जाए। आदिवासी दलित समुदाय और गरीब सबसे ज्यादा बलात्कार के भेंट चढ़ जाए। सबसे ज्यादा भारत में अबू शहर की बेटी और बेटा एजुकेशन कम है, और आरक्षण का सही लाभ दलित अनुसूचित जनजाति को नहीं मिला, उसका मूल्यांकन करें। यदि हमारे बेटी और हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ तो लड़ाई आर पार होगी। 400 से नीचे मजदूरी होनी ही नहीं चाहिए, मिनिमम 400, मैक्सिमम 700। जब से नरेंद्र मोदी आए तब से मजदूरी वेतन पे हमारा खत्म। मंडी सिस्टम को लागू करिए और बाजार समिति को पुनः आप लागू करिए। बाजार समिति जिसका किसान के साथ सेंटीमेंट था उसको लागू करिए, मंडी सिस्टम को लाइए। और आज संकल्प लिया गया कि नौकरी में जिस तरीके से पैसे पर आज बड़े परिवार चले जाते हैं, गरीब आदिवासी बेटी उसकी नहीं जा पाती, उसके लिए आप अलग हिस्सेदारी तय करें। कितना परसेंट नौकरी आप आरक्षित करते हैं ये इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम निजी क्षेत्र में आरक्षण का हम लोग डिमांड करते हैं। किसी भी कीमत पर निजी क्षेत्र में आरक्षण के बगैर आप दलित आदिवासी कमजोर तबके के लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं। इसलिए आज इस संकल्प के साथ पूर्णिया से हम लोग भारत के पीएम से चाहेंगे जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। देश में यदि 20-22% दलित आदिवासी है तो आप उसी तरह मुख्यमंत्री की भी हिस्सेदारी तय करें, पीएम की और सीएम की भी हिस्सेदारी तय करें, राजनीतिक हिस्सेदारी आवश्यक है। और वन नेशन वन हेल्थ वन एजुकेशन हम बार बार कहते हैं कि जब आप अत्यंत पिछड़ा दलित आदिवासी करते हैं तो उसके लिए यह इंपॉर्टेंट है। बगैर वन नेशन वन एजुकेशन के, वन नेशन वन हेल्थ और वन जॉब के आप अत्यंत पिछड़ा या जाति जनगणना करके कुछ भी नहीं कर सकते। वोट तो पहले भी लोग दे रहा था यही जात, जाति तो थी, बस इतना है कि राम 5%, कोई इतना हम इतना, जो पहले भी हम जानते थे वोट का अधिकार तो था ही। अब ये जानना जरूरी है कि हमारी आर्थिक शैक्षणिक राजनीतिक और सामाजिक हमारी भागीदारी कितनी है। उस आधार पर हमने निजी क्षेत्र का आरक्षण, किसानों को कृषि उद्योग का दर्जा, और हमें अवसर मिले पढ़ने का, भरने का, हमारे अवसर को ना छीना जाए, हमें भ्रष्टाचार का बलि ना चढ़ाया जाए, और हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, हमारे साथ न्याय हो, इसीलिए आज ये बैठक हम लोगों ने बुलाई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी पंचायत से आए हुए डेलीगेट को, जनप्रतिनिधि को, कि आप मेरे लिए मेरी जिंदगी के हिस्से हैं, मेरा परिवार है। बहुत क्लियर हूं, आदिवासी दलित समुदाय और गरीब सबसे ज्यादा बलात्कार के भेंट चढ़ जाते, सबसे ज्यादा घटना का भेंट चढ़ जाते, सबसे ज्यादा भारत में अबू शहर की बेटी और बेटा एजुकेशन कम है, सबसे ज्यादा डोम के बेटा बेटी का एजुकेशन कम है, सबसे ज्यादा आदिवासी का बेटा बेटी का एजुकेशन कम है। और आरक्षण का सही लाभ दलित अनुसूचित जनजाति को नहीं मिला, उसका मूल्यांकन करें कि बैकलॉग किसके द्वारा भरा गया, जनरल कोटा में बैकलॉग क्यों, प्रमोशन में क्यों नहीं, क्या सही माने में 27% आरक्षण इतने दिनों के बाद जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, क्या नुनिया चंदवंशी शर्मा ततमा जोल्हा कोरी कुर्मी यादव पासवान राम स्ट्रोम इसको मिला, क्या इसके बच्चे भरे,
तो आरक्षण का भी मूल्यांकन आवश्यक है। और यही से हम आवाज दे रहे हैं, यदि हमारे बेटी और हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ तो लड़ाई आर-पार होगी। हमारी जमीन पर गिद्ध दृष्टि रखना बंद करे ये टेरर पैदा करने वाले बड़ा बड़ा जो ये ठेकेदार बने हुए हैं शहर में, दलित आदिवासी की जमीन जमींदारों से छिनवा कर ब्रोकर के हाथ में भेज दिया जाए।